स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते। मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों हरियाणे की सुनारिया जेल के अंदर बंद सौदा साध के संबंध में चार एक गल्लां करदे आं। सौदा साध जिहदे बारे डेरा प्रेमी ये कहिंदे हुंदे सीगे, प्रेमणा भी कहिंदियां हुंदियां सीगियां, तुसीं बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होईयां देखियां कि हमारे पिता जी जेल में कैदियों को तारने गए हुए हैं। मैं हिंदी में तां बोलिया क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े पंजाबों बाहरले हैगे हिंदी बोलदे आ, वह भी इदां कहिंदे हुंदे सीगे, पंजाब वाले भी घट नहीं सीगे, वह भी कहिंदे साढ़े पिता जी जेल में कैदियों नूं तारन वास्ते गए हुए ने। भई वो इदा ना तुसीं कहो भई वह कुकर्म करके गए हुए आ जां किसी का मर्डर करके गए हुए आ। उह ते बड़ी एक गिणी मिथी स्कीम दे नाल जिहदा कह लो भी तारन गए आ, कैदियों नूं तारन वास्ते गए हुए आ। मैं पहले भी कई बार जिक्र किया कि जिहड़े कहिंदे आ कि साढ़े पिता जी जेल में कैदियों नूं तारन वास्ते गए हुए आ, उन्हां दी मैं जानकारी दस दवां कि पिता जी जिहड़े ने तुहाडे भई वह उत्थे कैदियों नूं तारन वास्ते नहीं गए हुए, वह ते उत्थे बैठ के वक्ख-वक्ख ढंग तरीके दे नाल कोर्ट में पटीशन दायर करते कि मैनू पैरोल दे दो, मैं जेल चो बाहर जाना चाहना, मैंने जमानत देती जाए, मैं जेलों बाहर आना चाहना। उत्ते पिटदा तो बेचारा रोंदा है, उत्ते रो रहा। तुसीं कहिंदे कोई जेल में कैदियों नूं तारन वास्ते गया होया, मैनू लगता कि जे तुसीं सारे जने इकट्ठे हो गए ना उन्हूं आखो कि पिता जी सानूं पता कि तुसीं जेल में कैदियों नूं तारन वास्ते गए हुए हो, वह बेचारा रौला पा पा के आखे भरावा ना कहो इदा, मैनू ना कहो इदा, रब का वास्ता इदा ना कहो, तुसीं मैनू जेल के अंदरों नहीं निकल देना, इदा कह के भी मैं तो जेलों बाहर आना चाहना। उन्हूं पुछिया जानी है वो बेचारे की हालत की हुई पई, अंदर हालत की हुण कीता जो जिदा के काम किए हुण उदा की सज़ा मिल गई। भावें कि आपां इह गल कहिंदे आ कि इत्थे हुकूमत सज़ा सुज़ा किसे नूं दिंदियां, पर मैं बेनती करा जदों कई बार सरकारां दी मजबूरी बन जांदी आ ना, जां सरकारां नूं किसे गल दे विच फायदा हुंदा हैगा, तो सरकारां फिर वो सारा कुछ कर भी दिंदियां हुंदियां, इदां भी हैगी आ। हुण गल तो यह आ भई भारत में वसण वाली सिख कौम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी के दोष जिहड़े लगे ने इन्हां दे उपर सौदा साध ते इहदे चेलियां दे उपर, जे उस केस दे विच सज़ा हुंदी है फिर गल महत्वपूर्ण तां फिर होऊंगी। उस केस में सज़ा नहीं हुई, जबर जनाह तो इलावा कतल के केस में सज़ा भुगत रहा सुनारिया जेल के। खैर आप गलबात कर रहे थे भी आ दो दिन पहला तुसीं देखिया कि इत्थों एक टीम जाती है पुछगिछ करन वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बेअदबी केस के मामले में, भी चलो पुछगिछ की जाए। वैसे तो उन्होंने कहा जा रहा है भी कोर्ट में भी इन इतने भेजा जाए, पंजाब इतने सद के तो इतने पुछगिछ करिए, पर कोर्ट ने इस किस्म की कोई परमिशन नहीं दी। ये गल आखी भी तुम उ चल जाओ जेल में जाके पुछगिछ करो। हुण दो तीन दिन पहला जेल के पुछगिछ करने वास्ते जो टीम पहुंची है तो उस दिन की होया, पत्रकार भाईचारा वह भी नाल गया भी चलो सानू भी कुछ ना कुछ फिर से जी टीम हैगी बाहर आके दसूंगी, असी पुछगिछ की, असी आ सवाल किए, आने जवाब दिते है भी इदा दल्ला बातें भी इदा का लगता से देखने पक्षों, क्योंकि पत्रकार उत्थे पुछते रहे टीम बाद कहते भी सानू माड़ा मोटा कुछ दस दौ, उन्होंने कुछ भी नहीं दसिया। फिर पत्रकार कहते चलो सानू माड़ा मोटा इदा ही दस दौ भी देखने कि लगता वो भी जो चेहरा खिड़िया आ वह जो चेहरा बुझिया आ भी पूरी चढ़ती कला में आ या कि राउंड है वो भी कि टोन में गल्ला करता वगैरह वगैरह। पत्रकारों हों भी लोग क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, पत्रकारों को पता हों भी दुनिया की जानना चाहती है, लोग की जानना चाहते हैं, सो इस करके पत्र इदा के सवाल करते हैं क्योंकि सवाल पत्रकार के कोलों के सवाल होंगे उ लोगों के सवाल पत्रकार ने उन्होंने किसी के भी मूहे रखने होंगे आ। सो वो टीम ने इदा के भी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिता। हुण पत्रकार सारा दिन उत्थे कई घंटे पुछगिछ हुई, पत्रकार खजल खबार होंदे रहे, खराब होने तो बाद पत्रकारों ने फिर वेख्या भी यार इन्नी दूर आए हो आप, टाइम इन्ना साडा वेस्ट हो गया, इन्होंने साढ़े हाथ पल्ले कुछ नहीं पाया भी असी खबर की लावांगे जाके, असी की दसांगे भी की खबर तो कोई बनती नहीं चज सवाद ना। चलो खबर तो फिर भी बनी जाती है भी असी उत्थे गए सगे तो आ पुछगिछ की आ टीम ने, इन्ना टाइम टीम अंदर रही आ, इन्ने बजे टीम अंदर गई सी, इन्ने बजे टीम बाहर आई आ, फलाने आह पुछया तो टमकाने आह पुछया, टमकाने ने आह कहता, फलाना पर पासा वट के लंघ गया, फलाना कहता नहीं कोई जवाब नहीं देंगे, फलाना कहता जी इन्नी तरीक में आप रिपोर्ट पेश कर देनी, उस बाद जनता कुछ वगैरह वगैरह। खबर तो चलो बनी जानी होंगी आ, पर एक जी होर खास महत्वपूर्ण उत्थे गल हुई वो बड़ी वधिया खबर जी बन गई, फिर पत्रकारों के कोल आ गई, बहुत सारे ने लाती तो बहुत सारे ने छड़ दी। मेरा चित किया कि मैं जरूर वह गल दसा अपने लोगों इन्हों भी दसा भी होया कि उत्थे हूँ उत्थे बार बहुत सारे लोग होर कट्ठे हुए हो सके, वो कौन सी भला जेल के अंदर जोड़े कैदी बंद ने जिन्हों बारे कहा जाता कि उन्होंने तारन वास्ते गए हुए पिता जी। हूँ जेड़े जेल अंदर कैदी बंद ने मैं बेनती करा सारे दस देव वो भाई बाले तंग ने गुरमीत राम रहीम दे कोलों इन्ने ज़्यादा तंग वा, वह भी कैदी भी जोड़े अंदर बंद है हवालाती भी जोड़े बहर
उन्हां दे रिश्तेदार उन्हां नूं मिलण वास्ते आए सके, ना तो उन्हां नूं उदण मुलाकात करन दित्ती गई। क्यों नहीं करन दित्ती गई भला? कहिंदे जी बड़ी सानूं सुरक्षा करनी पै रही आ, इहदी बदौलत आ राम रहीम दे करके, इस करके अज तुहाडी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। हुण तुसीं देखो जिहड़ा बंदा उस जेल च बंद हैगा उह कोई किते दा आ ते कोई किते दा, कोई किन्नी किन्ने सौ किलोमीटर कोई दूर बेचारा चल के आउंदा हैगा कि अज मुलाकात दा दिन हैगा ते असीं मुलाकात कर आईए। उन्होंने दस्या कहिंदे वी कोई अज नवीं गल नहीं हैगी वी साडी अज नहीं मुलाकात करन दित्ती जा रही, इदों पहलां भी आपां जदों भी इत्थे मुलाकात करन वास्ते आउंदे आ ना सानू टरकाता जांदा, सानू वापस मोड़ता जांदा कि ना तुसीं वापस मुड़ जाओ, तुहाडी मुलाकात नहीं हो सकती, अज नहीं फिर आयो किसे दिन। कहिंदे वो कहिंदे वी सानू इस गल दा पता आ वी सानू क्यों टरकाया जांदा, आ इहदे करके सानू टरकाया जांदा आ गुरमीत राम रहीम करके, आ इहदे करके ये वजह बनिया होया आ। असी अपने सके संबंधी कोई जिहड़ा साडा कोई रिश्तेदार वा जां कोई साडा मित्र वी जिहनूं आपां जिहड़ा जेल च बंद वा हवालाती जां कैदी असी उहनूं मिल नहीं पा रहे, आ इहदी बदौलत आ। इत्थे बस नहीं, उन्होंने फिर एक स्टैप होर अगे जाके ये गल कहती कहिंदे भरावो हाथ जोड़दे आ असी पंजाब दियां नूं भी कहिंदे आ सरकार नूं भी कहिंदे आ ते मैनूं लगदा कि मैं भी मेरा भी चित करदा कि डेरा प्रेमियों नूं भी वह कहिंदे भी भरावा असी इन्ने औखे आ ना भी इहनूं कितें होर लै जाओ, इत्थों इहनूं कितें इत्थों कढ के होर कितें लै जाओ, होर कितें लै जाओ। इहदी वजह करके असी अपने सके संबंधियों नूं मिलण खुणो रह जांदे आ, इदां दे हालात बने हुए आ। हुण अंदाजा ला के देखो भी की भला वो जिहड़े अंदर कैदी ते हवालाती बंद हैगे ने वो कहिंदे अपने रिश्तेदारां नूं कि ना ना ना, या उस तों बाद उन्हां दी स्टेटमेंट आई होवे कि ना 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 तुसीं इदां कदों कहण डए वा, वो तो सानूं जेल दे विच तार रहे आ, साडी जिंदगी सवार रहे आ, इदां कहिंदे भला वो? मैं नहीं कदे भी सुणिया इदां कहिंदे वो। जे तां तार रहे आ फिर वो स्टेटमेंट देण, वो बेचारा तार ही नहीं रहा उन्हां नूं तो फिर वो स्टेटमेंट किदा दे देवे। सो ये गल्लां सारियां करके मैं ये कहना चाहुंदा कि अंधविश्वास तों बाहर निकलण दी सानूं लोड़ आ, सानूं जरूरत है इन्हां सारियां गल्लां नूं समझण दी ते पहचानण दी कि किहड़े लोक जेल दे विच क्यों गए हुए आ, हकीकत तों किन्ना क चिर पासा वट के जीलोंगे, हकीकत तों मूँह मोड़ के किन्ना क समां जिंदगी नूं बिताओगे भला। ये अंधविश्वास तुहाडियां आउण वालियां नसलां नूं भी इदां ही गुलाम बना के रखूंगा। अगला तो नज़ारे लैंदा रहा पहला बाहर भी ते इत्थे भी, इत्थे तुसीं कल्ले यही नहीं होर भी तुसीं झात मार के वेखो अपने आसे पासे जिन्हें भी डेरे बाबे जिथे जिथे भी आपां जुड़े हुए हाँ। गुरु साहब जी ने सानूं एक अकाल पुरख दे लड़ लाया सीगा और नाल इह गल आखी सीगी कि खालसा मेरा रूप है, खास सानूं खालसे नूं गुरु साहब जी ने अपना रूप बख्शिया। गुरु साहब जी ने कहा जिदा का मैं उदा दे तुसीं जे मेरे वर्गे बन के रहूंगे या मेरे बच्चों वर्गे बन के रहूंगे। तद गुरु साहब जी ने आख्या सीगा कि खालसा मेरा रूप है खास, प्रगटो खालसा परमात्मा की मौज, परमात्मा की मौज दे विच खालसा प्रगट होया। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु साहब जी ने आख्या सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं अपना इष्ट अपना गुरु जानना, गुरबाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। असी उस कंसैप्ट तो दूर हो गए। फिर सिक्के बार कहने कि साडे बाबा जी जिथे असीं जाने वह भी गुरबाणी का ही शब्द पढ़ते आ, वह भी गुरबाणी का ही उपदेश करते आ। वह गुरु साहब जी सानूं जदों सीधे गुरबाणी नाल लड़ के लड़ ला के गए आ, फिर असी कई बार किन्ने महत्व होंने घरे रोटी नहीं पकती, घरे रोटी नहीं पकती होंगी, असी बड़ी श्रद्धा दे नाल उत्थे नूं तुरे होंने भले वो ते तुहाडी माया दे सिर दे उपर ऐश करदे आ। उन्हां विचों किन्ने क बाबे किन्ने क डेरेदार हैगे ने, जे किसी का कोई हैगा मैं मेरी गल का बुरा ना जाणियो, उस डेरे का जिहड़ा मुखी हैगा वह अपने पुत धी तो इलावा की अपने सेवकां दे विचों किसी नूं अगां अपना वारस बणाउंदा है? जे बणाउंदा तां दस्सिओ। जे उन्हां डेरियां विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन सरूप सुशोभित ने प्रकाश किए जाते हैं, तद यह भी गल जानने की कोशिश करो भी की उन्हां डेरियां दे डेरियां की जिहड़ी रजिस्टरी है वह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नामे हैगी आ जां नहीं। जे नहीं तो फिर वो उन्हां दी अपनी परसनल प्रॉपर्टी आ, गुरु ग्रंथ साहिब दे नामे तो है ही नहीं है, वह उन्हां दी अपनी परसनल प्रॉपर्टी आ। और असी बाबा जी जो भी असी करके जान रहे हैं असी उत्थे जा के उन्हें गोलकां भरते हैं और तुहाडी माया दी तुहाडी माया नाल भरियां होईयां गोलकां दी बदौलत उन्हां दे डेरे वड्डे हो रहे आ। वो तुहानूं ये मत समझो कि तुहाडा भी नंबर लगूंगा कि तुसीं भी कदी उन्हां दे वारस बनूंगे, वारस उन्हां दा पुत बनना, जे पुत नहीं हैगा तो उन्हां दी धी ने वारस बनना। इदां स्टैप बाय स्टैप इन्नी अरबां खरबां दी प्रॉपर्टी हुंदी आ भलिओ, उह भला तुहाडे हवाले थोड़ी कर देणगे उह, क्योंकि उन्होंने मनशा कुछ होर आ। असी अंध भगत, असी अंध विश्वासी,
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਂਨਗਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਢੋ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੂਬ ਹੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਆ ਅਸਲੀਅਤ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਵਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਹ ਪਲਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੂ ਉਹ ਮੁਕਾ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਧੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਵਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਭਲਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ
आस करते हैं कि आप सारे जने आप जरूर गौर करांगे। जिदा मैं पहला कहा आखिरी गल कह के समाप्ति करदा, ये जिहड़ा सौदा साध है ना गुरमीत राम रहीम, ये एक जिउंदी जागदी उदाहरण उस अकाल पुरख वाहगुरु ने ढो मेला बनाया भी जिहड़ी उन्हूं सजा हुई है, ये जिउंदी जागदी मिसाल है। इस मिसाल तो कुछ ना कुछ सबक सीखीए, सबक सीख लाँगे तो चंगे रहेंगे, नहीं तो फिर जिदा जिंदगी चल रही है इधर चलती रहनी हुई है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे का।